घर की लक्ष्मी, तो फिर असल में बने ग्रह लक्ष्मी। घर का बजट तो घर की गृहिणी ही बनाती है और वो ही घर चलाती है। घर का इतना महत्वपूर्ण महकमा संभालती है तो इसलिए ही वो ग्रह लक्ष्मी कहलाती है। लेकिन अब मौका है कि एक एक योजनाबद्ध तरीके से आप वाकई घर की लक्ष्मी बन जाएं और घर में पैसा ही पैसा दिखने लगेगा। बस जरूरत है आपको सही तरह से रुपए पैसे का मैनेजमेंट करने की। यदि आप ड्राइवर की सीट लेने वालों में से एक हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो ये लेख आपके लिए है। इस लेख में हम तीन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों को कवर करेंगे जिन पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। वित्तीय क्षेत्रों में महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। ये एक आम धारणा है कि जब लंबी अवधि की वित्तीय योजना की बात आती है तो ज्यादातर महिलाएं असहज होती हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में पुरुषों को, चाहे उनके पति हों या पिता, उनके लिए ये निर्णय लेने दिए हैं। लेकिन समय बदल रहा है और अधिक महिलाएं चीजों को, विशेष रूप से अपने वित्तीय निर्णयों को अपने हाथों में ले रही हैं। जमा पूंजी। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना रास्ता तय करने का एकमात्र तरीका पर्याप्त और अधिक धन की बचत करना है, और जब तक आप अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू नहीं करते तब तक बचत करना संभव नहीं है। यदि आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप कभी भी ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। किसी भी आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति से पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे कि अपने खर्चों पर नजर रखना क्यों महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने खर्चों का पता लगा लेते हैं तो आपको अपने लिए एक मासिक बजट बनाना चाहिए। केवल एक बजट से आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने साधनों के भीतर रह रहे हैं। हालांकि बजट की शुरुआत बचत से होती है। पहले खुद भुगतान करें। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% से 15% अलग रखें और फिर शेष राशि के आसपास अपने खर्चों की योजनाएं बनाएं। ये एक कठिन काम की तरह लग सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये सबसे अच्छा अभ्यास है तो हम पर विश्वास करें। निवेश। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कुछ पैसे बचाए हैं। अब आपको अपनी बचत को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आप कैसे पूछते हैं? सरल। आपको इस पैसे को ऐसे रास्ते में निवेश करना होगा जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दिलाए। लेकिन इससे पहले कि आप अपना पैसा निवेश करना शुरू करें, आपको अपने आपातकालीन कोष के रूप में एक अच्छी राशि अलग रखनी चाहिए। इस पैसे को लगाने का सबसे अच्छा तरीका एक लिक्विड फंड है, जहां ये ब्याज भी देगा और जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध होगा। इसके बाद आप अपने जोखिम की क्षमता के आधार पर शेष राशि को कर बचत करने वाले निवेश और इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अपने निवेश के व्यय अनुपात को कम रखने पर ध्यान दें। साथ ही निवेश करते समय विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना न भूलें। इससे आपको अपने निवेश के लिए सही समय सीमा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। आदर्श रूप से आपको अपने निवेश में अच्छा रिटर्न पाने के लिए कम से कम 5 साल और उससे अधिक समय तक निवेशित रहना चाहिए। इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि आप कमाई शुरू करते ही निवेश करना शुरू कर दें। बीमा। ज्यादातर महिलाएं बीमा को नजरअंदाज कर देती हैं और हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बीमा को परिवार के सदस्यों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा साधन के रूप में माना जाता है यदि कमाने वाले के साथ कुछ होता है, और महिलाओं को शायद ही कभी कमाने वालों के रूप में देखा जाता है। कमाने वालों का दर्जा अभी भी एक आदमी की चीज है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समय बदल रहा है। आज महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वे पर्याप्त बीमा कवर के साथ अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन क्षेत्रों पर ध्यान दें और आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
अगर किसी भी मामले में आप आर्थिक रूप से मदद चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि बैंक बाजार आपके लिए तैयार है।